कलश सकार रे की बाकी हो गई अब बाता हो गयो की बाकी हो गई अब बाता हो गयो हाँ इस बात का सब कुछ बाका
स्वस्तिनः इन्द्रौ वृधः स्वाहा स्वस्तिनः पूषः विश्ववेदाः स्वस्तिः न चत्यारो वरिष्ठनेमी स्वस्तिनो बृहस्पतिं ददातु पयः पृथिव्यः पयोखधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोध पयस्वती प्रदिशः सन्तु माहम् ॐ गौ शान्तिरिक्षः शान्तिः वनस्पतयः ओखदयः शान्ति शान्तिरापः ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वा अरिष्टा सुशान्ति भवतु। साउंड वाले भाई साहब थोड़ा रहम करो, फिंगर और कोरस की आवाज बिल्कुल नहीं है, थोड़ा चलें। शांत चित और एकाग्र चित हो जाए, कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम दिवस में हर जगह ऐसा थोड़ा बहुत होता ही है, मिसमैच होता है थोड़ा सा, कोई नहीं, ये सब बड़े कलाकार हैं, हम ही छोटे गुरु के चेले इसलिए गड़बड़ हो रही है। गुजरात में कहे ना लोगो, ये राइटर हो तो सिंगर ना हो, अने सिंगर हो तो कंपोजर ना हो, अने तीन हो ना तो संत ना हो। यहाँ सर्व वस्तु एक दुकान ऊपर मणे ना तो थोड़ी सी तकलीफ तो आवाने छे। चलिए करतल उठाएं और मधुर संकीर्तन करते चलेंगे। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो मुकुंद माधव गोविंद बो मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बो ऐसा हो रहा है। दो लुहार थे,
एक का काम था लोहा गरम करना शांति, और दूसरे का काम था निहाई पे रखने के बाद मारना। अरे बे तोतड़ो छे हम, है ना, इन्हें निहाई पे गरम करके लोहा रखा, दूसरा बोला माल, बोला कहाँ मालूम। तो बाबा तो कह रहे हैं अब ठंडा हो गया, बाद में देखेंगे। आए श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चलेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक पे अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार एक ही श्लोक में समाया हुआ है। ऐसे मैं इस धरती को भी वंदन करता हूं, आयोजक समायोजक जितने भी हैं सबको बार बार वंदन करता हूं, क्योंकि जीवन में कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो हरि कथा करने या सुनने का योग आता है। प्रारब्ध संचित वर्तमान ये सब प्रभु की कृपा से मिलता है। आभार व्यक्त करता हूं राजेश शर्मा जी का, सूत्राधार शंकर जी का, राम सेवा समिति या भी हमारे अनिल जी जिनके घर से ये शोभा यात्रा नगर यात्रा आई है। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि सदैव परमार्थ के कार्य लोग करते रहें, क्योंकि तो परमार्थ का संधि विच्छेद करें जरा तो क्या आता है, परम धन अर्थ अस्त परमार्थ। परमार्थ में ही परम अर्थ छिपा हुआ है जो इस लोक से उस लोक तक मोक्ष की यात्रा कराते। कि साधना अभिशाप को वरदान बना देता है और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। ये बैकग्राउंड थोड़ा 1/4 कम करो। भावना पाषाण को भगवान बना देता है, नैतिकता के स्तर से नीचे उतर जाने के बाद वासना इंसान को शैतान बना देता है। करता रह हरि भजन, चल परमार्थ की राहों पर, ब्रह्मांडपुरी हरि भजन मोक्ष धाम दिला देता है, मोक्ष धाम दिला। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपा विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शेखावत जी ये जो शब्द आया ना वयं नमः, इसने चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। आजकल संसार में कोई ऐसे लोग हैं जो काम स्वयं करें और नाम किसी और का दे, बहुत कम नहीं है ऐसा कहेंगे तो उचित नहीं है। केदार बद्रिका वन के मध्य में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और सिर्फ श्रीमद् भागवत ही नहीं 18 पुराण लिखे, और 18 पुराणों में से 18 उप पुराण भी लिखे। क्या किया, शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी इसमें क्या लिखा है,
तो उन्होंने कहा मैंने जो लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परपीराय परपीडनं परोपकाराय परपीडनं। मैंने इतने पुराणों में दो ही बात तो लिखी है, एक परोपकार और दूसरा किसी को निराकरण तकलीफ नहीं देना। बाबा गोस्वामी जी से भी लोगों ने यही पूछा था। कि धर्म क्या है और पाप क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं और किसी को निराकरण सताने से ज्यादा पाप। प्रथम श्लोक कह रहा है सत धन चित्त धन आनंद अस्तु सच्चिदा। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य क्या है? यथार्थता है। तो सत्य तो यही है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब चित्त की बात आती है तो चित्त से चरित्र की उत्पत्ति होती है, चित्त से चिंतन, चिंतन से चरित्र, चरित्र से अनुराग, ऐराग से वैराग और वैराग से भक्ति को पाकर आदमी मोक्ष की ओर चला जाता है। तो किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता। पढ़ लीजिए, मुखाग्र हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा और ऐसे मानव यवनि में चार काम आवश्यक है, पठन, पाठन, स्वाध्याय और चिंतन। हल्का रखो, हल्का। पठन, पाठन, स्वाध्याय और चिंतन। तो किताबें खूब मिलती हैं मगर चिंतन नहीं मिलता। और जिसे है मौत की चाहत उसे जीवन कहां मिलता? ब्रह्मांड पूरी कौन है जग में जिसे सब कुछ दिया प्रभु ने? ब्रह्मांड पूरी कौन है जग में? अरे जिसे सब कुछ दिया प्रभु ने, किसी को गुण नहीं मिलता, किसी को धन नहीं मिलता। सत चित्त आनंद। अब माना हम जानते हैं हम कौन है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म। हमें ज्ञान है कि हम कौन है, हु आर एम आई, हमको पता है। और हमारे सनातन की रीति से अध्यात्म और वैराग्य का एक स्कूल भी है। अध्यात्म और वैराग्य का एक स्कूल है जिसे हम श्मशान कहा करते हैं। वैराग्य जग जाता है उतनी देर के लिए। श्मशान में 60 साल का बच्चा हो या 6 साल का बूढ़ा, यहां थोड़ा विडंबना लग रही है कि हमने बूढ़े को बच्चा और बच्चे को बूढ़ा कहा। इसका मूल कारण यह है कि पूर्व जन्म में
पशु भी देव भाषा बोलता, ऐसा प्रमाण है हमारे यहाँ सनातन। बच्चा सद्बुद्धि की बात करता है और कई बार हम 60 साल होकर भी बचपना की बात करने लगते हैं। अस्तु 6 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुढ़ा, स्मरण में जब पहुंचता है ना शेखावसा, तो एक ही बात कहता है कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार। कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फुली फुली को ले गयो कल को वार हमार। इसीलिए लिखा गया कि बगीचे हजार होते हैं, फूल खिलाए जाते हैं। बगीचे हजार होते हैं, फूल खिलाए जाते हैं। कुछ चढ़ते हैं मजारों पर, कुछ चढ़ते हैं मजारों पर, तो कुछ समसा में बिछाए जाते हैं। बड़भागी है वो फूल जो गुरु चरणों में समर्पित हो, प्रभु के गले का हार बन जाए। नहीं तो ब्रह्मांडपुरी बेहतर है, नहीं तो ब्रह्मांडपुरी बेहतर है। वो फूल खिले ही नहीं, खिलने से पहले ही मुरझा जाए जो परमार्थ की कामना है। सत्य यथार्थता का हमें ज्ञान है। चित्त से चिंतन की बात है, आनंद किसे कहते हैं। कुछ लोगों की व्यवस्था ऐसी है शेखाओं साहब कि वो अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है, उसमें भी आनंद मिलता है। दिलवाले बचा ले दिल अपना, हम अपना निशाना क्यों छोड़े। अब कोई मरता है तो मरने दो, हम तीर चलाना क्यों छोड़े। मानव को दूसरे की प्रगति नहीं पसंद है और कुत्ते को घोड़े की गति नहीं पसंद है। साधन परमात्मा ने सबको दिए हैं मेरे भाई बहन, पर साधन साध्य हर कोई नहीं कर पाता। परमात्मा ने आपके हाथ में सब कुछ दिया है, पंचभूत शरीर आपका है मेरा भी है, 108 इंद्रियां आपकी भी है मेरी भी है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां उतनी ही हैं, 72 नाड़ियां आप में है मुझ में भी है, जिह्वा वैसे ही है। हाथ कहता है हम कर्माणाम दोतकः, ये हाथ भी वैसे ही है। जिह्वा वाचनाम दोतकः, कर्णो घ्राणानाम संकेता, नेत्रै दृग शक्ति ददातु मे, सब कुछ समान है लेकिन कर्म भिन्न है। तो साधन को साध्य कौन करता है, जिस पे गुरु की कृपा बरस जावे, नहीं तो फिर क्या हो। साधन तो ठाकुर जी ने सबको दिए ना, जिह्वा वही है। मीठा बोलो सम्मान मिल जाए, कड़वा बोलो तो अपमान हो जाए, और अगर इसी जिह्वा से हरि नाम जपो तो मोक्ष धाम हो जाए। जिह्वा तो वही है, नहीं तो कहा गया कि रहमन जिह्वा बावरी, जो पुनि बसे पताल। अरे वो तो कहीं अंदर गई, जूते खात कपाल। बोलना है ना, बहुत सोच समझ। गिफ्ट
रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट की पॉलिसी हमारे जीवन में होनी चाहिए, और अगर हम वही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन तो व्यर्थ हो ही जाएगा। अब आनंद पे हम आ जाए, सत हो गया, चित हो गया आनंद। जिस स्थिति में आकर आप क्षण मात्र के लिए अपने आप को भूल जाएंगे, आपका रोम रोम हर्षित हो उठे, रोमांचित हो चुके, हर्षोल्लासित हो चुके, उस क्षण को आप आनंद कहते। लेकिन आपके कार्य से अगर 10 लोग और आनंदित हो जाए तो उसे परम आनंद कहते हैं। और ऐसा कुछ कार्य मेरा ठाकुर आपसे करवा ले कि संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में लिप्त हो जाए, उसे ब्रह्मानंद कहा करते हैं महाराज। वो आनंद ध्रुव के जैसा, कल्पना तो करो, ध्रुव के सामने नारायण खड़े हैं। नारायण ने कहा, मांगो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव मुस्कराए, ध्रुव को देख के श्री हरि मुस्कराए, श्री हरि को देख करके सारे देवता हंसे, सारे देवताओं को देख करके सुखदेव हंसे, सुखदेव को हंसता देख कर परीक्षित हंसे, लेकिन पता किसी को नहीं हम हंस क्यों रहे हैं। यही ब्रह्मानंद है, कोई कारण ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, दुखी रहने के लिए आपको कारण की जरूरत है। दुखी रहेंगे ना आप तो उसके लिए कारण की जरूरत है, लेकिन प्रसन्न रहने के लिए तो कोई कारण की जरूरत ही नहीं है। बढ़ा लो जितनी बीमारी, लोग आते, महाराज क्या बताएं, बड़ी वेदना है। अच्छा, वेदना है आपको, तो वेदना होने का पहला कारण आपके जीवन में वेदों का अनुकरण नहीं है। अगर वेदना मिटानी है तो वेदों की शरण में आ जाओ, वेदना खत्म। क्या वेदना है भैया? पत्नी विमुख हो गई है, बेटी सुनती नहीं है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, क्या करें महाराज, बड़ी वेदना है। इसे तो बढ़ा लो जितना बढ़ाना है, कूड़ा कबाड़ा का ढेर आ जाएगा और एक दिन अपने आप को ग्रसित करके चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। इसका मूल कारण है, आप अभी ये समझते हो कि ये सारे कृत्य मेरे द्वारा किए गए हैं, कि दुखों का दस्तावेज भला मैं किसे दिखाऊं, दस्तखत तो मेरे ही है। क्यों तिवारी बाबा कहें, दुखों का दस्तावेज मैं किसे दिखाऊं, दस्तखत तो मेरे ही है। लेकिन जिस दिन आप ये मान लोगे कि ये प्रकृति की लीला है, उस दिन आप दुखी नहीं हो सकते। नाइजीरिया में मैं कथा कर रहा था, मैं जाता रहता हूं कथा करने, लेकिन थोड़ा उल्टा है मेरी कथा में कि आजकल प्रवक्ता जिस स्थिति से विकास कर रहे हैं कथा के क्षेत्र में, अगर यही व्यवसायीकरण रहा तो कुछ साल के बाद व्यक्ति कथा भागवत नहीं कर पाएगा। भाई 50 लाख है तो कथा होगी, 15 लाख है तो कथा होगी। तो मैंने अभी पिछले गत 2 वर्षों से किसी विशेष कार्य में समय दिया था, कथा कर ही नहीं रहा था, और ये 2 वर्ष के बाद पहली श्रीमद् भागवत कथा इस धरती पे हो रही है। कुछ विशेष काम है। तो 2 वर्षों से विराम था, नहीं तो जब हम कथा शुरू करते हैं ना तो
कथा माँ भगवती करती है राधा रानी, लेकिन बस सूटकेस में दो कपड़े यही जिंदगी बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कथा को बेचता नहीं, कभी तय करके 5 लाख 2 लाख लेकर कथा करता नहीं, और जो पैसे की बात कर दे ऐसे को दरवाजे पे खड़ा रखता नहीं। ब्रह्म और वेद को बेचने की क्षमता, शादी के गिफ्ट को 5 बार संभालते हो, घर की ऐसी है गाड़ी है तो 6 बार नहलाते हो, अपने लिए चाहे नमक कम रहे लेकिन उसे शैंपू से धुलते हो, लेकिन साधना का साधन ये शरीर है, इसे संभालने की क्षमता नहीं। और जिस परमात्मा ने तुम्हारे जिह्वा पे मधुर स्वर दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, रचनात्मक विवेहात्मक शैली दी, आचरण व्याकरण का ज्ञान दिया, तुम उसे बेच करके सुखी रहोगे? एक बार उज्जैन में बहुत बड़े विद्वानों का समारोह हुआ, बड़े बड़े लोग आए, अपनी कविता का पाठ कर रहे थे। उस समय निर्णय लेने का अधिकार राज्य पुरोहितों का हुआ करता था। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा भजन गाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मां शारदा स्वयं गा रही हूं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा इसे आधा राजपाट दे दो। सब ने कहा दे दो। अंत में राज पुरोहित की सलाह मांगी गई। ध्यान रखिए कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन के होए बेग ही नाश। अगर राजा का सलाहकार स्वार्थ में झूठ बोलेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा, और अगर वैद्य झूठ बोलेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर कोई एंजाइटी से सफरिंग कर रहा है, किसी को सिजोफोर्निया है, और हम कह देंगे नहीं नहीं वो तो एसिड बढ़ गई है इसलिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो कैसे गाड़ी चलेगी? उसको मेमोटेक देना ही पड़ेगा ना, ब्राह्मी देनी पड़ेगी उसको, उसके ब्रेन सेल्स कैसे डेवलप होंगे वो मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो वैद्य अगर झूठ बोले तो शरीर नष्ट होता है, और अगर गुरु झूठ बोलने लगे तो धर्म नष्ट होता है। पुरोहित से कहा गया महाराज इसे क्या सम्मान दिया जाए? पुरोहित ने कहा मेरा फैसला थोड़ा अटपटा लगेगा। बोले मेरा फैसला इसलिए अटपटा लगेगा कि मेरा यह कहना है कि इस गायक के मुंह में कालिख लगवा के गधे पे बैठा के नगर में घुमा दो। हो गया ना विडंबना। राजा ने आधा राजपाट दे दिया, लोगों ने तालियों से आशीर्वाद दे दिया, किसी ने साधुवाद दे दिया। राज पुरोहित कहता है नहीं, इसके मुख में कालिख लगा के गधे पे बैठा के उज्जैन नगरी में घुमा दो। कारण? उन्होंने कहा प्रभु इसने जो गीत गाया ना, जिस प्रभु ने इसको शरीर दिया, भगवान भादोत कह भूमि ग गगन व वायु अकार अग्नि न नीर, जिसने पंचभूत को एकत्र करके सजीव बना दिया वो मेरा भगवान है। मधुर स्वर थे, कंठ अच्छे थे, शब्द भी बड़े प्रिय थे, लेकिन इसको ये इसलिए देना है क्योंकि इसके उस सुंदर शब्द रचना के अंदर कहीं से कहीं तक हरि का नाम नहीं था जिसका इसे आभार प्रकट करना चाहिए, इसलिए जिसके जिह्वा पे हरि नाम नहीं उसे सम्मान नहीं।
हमारे वेदों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपने प्रकृति में एक वृक्ष नहीं लगाया तो मृत्यु के समय चिता जलाने के लिए एक लकड़ी लेने का अधिकार आपको नहीं है महाराज, इसलिए वृक्ष लगाना। आनंद तक पहुंचे थे हम अभी, सत चित आनंद विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। यहां वयम नुमः जो है यह हमें चर्चा के पीछे आकर्षित कर दे रहा है, इसलिए हम चाहते हैं थोड़ी इस पे चर्चा कर ली जाए। वयम नुमः, जगत के उत्पत्ति आदि दैविक आदि भैविक आध्यात्मिक शक्ति के प्रदाता दाता त्रिकाल लोक योगी राज कृष्ण को वंदन करते हुए, लेकिन वहां क्या हो गया आप ध्यान देंगे, लेकिन ही तो व्यास जी की चल रही है मेरे भाई बहन, लेकिन जब प्रणाम कर रहे हैं तो क्या कहा, वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं, जबकि वहां एक व्यक्ति खड़ा है। कभी आप मंदिर में जाएंगे अकेले तो आप कहेंगे हम सब लोग नमन कर रहे हैं, कहते हैं कभी गंगा नहाने जाते हैं तो कभी कहते हैं हम सबने डुबकी लगाई, दान करते हैं तो कभी कहते हैं हम सबने दान किया, लेकिन यहां व्यास जी से परमात्मा श्री हरि ने ये करवा लिया। कई बार आपका भोग्य आपका भाग्य कुछ ऐसे कार्य करवा लेता है जो प्रारब्ध से निर्धारित होते हैं। वयम नुमः, भगवान कृष्ण को वंदन किया। आध्यात्मिक क्या है, अधिधन आत्म अस्तु अध्यात्म, दैविक आदि दैविक और भौतिक। अब हमें प्रकृति से दूर रहने की आदत है, व्यवस्था देखिए विडंबना कि प्रकृति अपने निर्धारित समय पे बदल जाएगी, लेकिन मानव की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। ऐसे महापुरुषों के वजह से सनातन में सदैव सम समान समन्विते का भाव रहा है, इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्। कि जिनका चरित्र निर्मल उद्देश्य है महा, भारत की वही शान है वो ही बने महा, भारत की वही शान चरित्र निर्मल 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 चरित्र निर्मल उद्देश्य है महा, उद्देश्य है महा, भारत की वही कान है।
जिंदगी में खुशबू नहीं है, तुमने खबर ना हो तो पीछे जोई जाओ, मैं जोई ली दूँ, मैं जाके वहां की मिट्टी में सुगंध नहीं है। भारत की उस धरा में, भारत की उस धरा में ऊर्जा बड़ी महा, ऊर्जा बड़ी महा। भारत की वही शान है वो, अगर बनना है तो प्रभु से मांगो पात्रता, ऐ प्रभु मुझे किसी योग्य बना दे, किसी की पात्रता बना दे। बनना है तो मेरे भाई बहन पात्र नहीं नेत्र बनो। 2 लीटर का दूध का बर्तन 2.25 डालना तो दूसरा ढूंढना पड़े ने, और इन आंखों से कितना दृश्य देखते हो आप। इन्होंने कभी नहीं कहा आप भर गया, आप जगह नहीं अजी मारे नहीं जो अनुसे पूरो थियो, ये आंखें कभी बोलती हैं अभी पूरा हो गया काम अब नहीं देखना। तो बनो नेत्र पात्र नहीं। कुछ मूर्ख प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। आप सारे लोग सुनिए और बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर, क्या आपकी दाहिनी आंख ने कभी बाईं को देखा? देखा हो तो बताओ, पर फिर भी साथ में रोती है, साथ में सोती है, दुख का सुख का आभास भी साथ में करती है। इतने नहीं सीखा हो साहब, जब आप गुस्से में रोते हो, आशा अतृप्ति में रोते हो तो आंसू गर्म होता है, प्रैक्टिकल जो जो, और जब उसके लिए रोते हो तो नेत्रों के आंसू भी शीतल हो जाते हैं। मेरे यार एक बार उसके विरह में रोके तो देखो, कि बंद दरवाजों में आवाज लगाया ना करो, और ये लोग बहरे हैं इन्हें दिल की सुनाया न कर। और वक्त की आधियां जाने कहां पर ले जाए, इसलिए रेत पे तस्वीर बनाया न करो। कौन पहुंचेगा आंसू इस बस्ती में तेरे, यहां तो दामन सबके पहले से ही गीले हैं, दुखी ऐसे क्यों मांगना।
जिस तरीके से ये नेत्र इस नेत्र को नहीं देख सकता, ऐसे ही परमात्मा आपको भले ही दिखाई ना पड़े आपके आसपास रहता है। और यही कहा गया है कि परमात्मा आपके हृदय में रहता है। कि काहे बजाए ढोल नकारे, काहे बजाए ढोल नकारे, काहे करे अजान रे, काहे बजाए ढोल नकारे, काहे करे अजान रे। और ढूंढ सके तो ढूंढ देख, तेरे अंदर है भगवान। पिंड है वहीं ब्रह्म है। आप देखिए आपके शरीर का वजन है या सांस का? शरीर का वजन नहीं है, श्वास का वजन है। आपकी आयु सीमा भी उसी पर निर्धारित है। प्रोफेशनली डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर कहते हैं जिसे ब्रोंकाइटिस हो गया ना तो जल्दी नंबर आ सकता है। अभी इसको COPD हो गया, मींस कार्बन लेवल बढ़ गया। कुत्ते की उम्र कम क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा बार सांस लेता है। दमा वाले की उम्र कम क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा बार सांस लेते हैं। और नदी में शरीर चला जाए जब तक सांस है तब तक पानी के नीचे रहे, और ये सांस यानी प्राण वायु निकल जाए तो गंगा भी बोलती तू बाहर चलते मेरे काम का नहीं। अच्छा, अगर सीखना है कोई चीजें तो वात्सल्य और मातृत्व आप जल और वृक्ष के समारोह से देखिए। जरा बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, ठीक है, ज्ञान है, व्यासपीठ है, यहाँ तो व्यास का है, लेकिन अवस्थाओं को अगर देखें तो दो ही बात आती है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया आप उनसे सीख लो,
और जिन्हें आप जन्म दोगे उन्हें सिखा देना, यही परमार्थ का मूल द्योतक है। भगवा पहनने की जरूरत नहीं है, भगवा नाम साधु का नहीं है, पहले तो साधु शब्द ही नहीं है। यति और सती की परंपरा है, दस नाम संन्यास की व्यवस्था है। हम हिंदू हिंदू कहते ना, हिंदू कहना बंद कर दो, आधे तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। हम सनातनी है, हिंदू को उल्टा करे तो उसका भावार्थ होता है दूनी, यानी इनके दो मत ही रहेंगे, कभी एक हो नहीं सकते। एक की दीपावली आज मनेंगे तो दूसरे की कल मलेगी। संप्रदाय वेद देश का विनाश करके रखा है, बताओ। पंचायतन देवताओं का प्रमाण है, 33 करोड़ बना दिया। अब क्या करेंगे, गरीब आदमी कहता है 33 करोड़ भगवान हम पे प्रसन्न हो जाओ, एक एक रुपया देना मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। मातृत्व देखिए आप, 500 किलो वजन का लकड़ी हरा समंदर में डाल दो, नदी में डाल दो, कभी डूबता नहीं है। अनुभव ले लेना। तमारा बाजू में पोरबंदर नागर दरियो छे ने, द्वारिका में छे, महुआ जागर छे, जोई लो पछी जाए ना तमे। वो क्यों नहीं डालते, उसे भाव है, अरे इस वृक्ष को मैंने ही तो सींच के बड़ा किया है, भला मैं इसे कैसे डुबा लूं। लेकिन हम इतने विमुख हो गए कि हमें यही नहीं एहसास होता कि उसके अंदर बैठा हुआ भी मेरा ही रक्त है, मेरा ही वर्ण है, मेरा ही भाई है, हम इसका विनाश कैसे कर दें। ये मातृत्व आ जाए तो फिर से सतयुग आ जाए। भागवत कथा सुनना और घर जाकर के बहु सास में झगड़ा हो फिर मतलब क्या रहा। मैं किधी तुमने ना भेजाओ बे पची करवानु छे अजी वार छे जम्मा वो करे। कथा सुन के क्या फायदा मिला बोलो। ये कथा कहती है कि पिता और पुत्र के बीच की मर्यादाओं को निभाओ। ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए फैमिली में, पनिशमेंट होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच की मर्यादाओं को निभाओ, ये भागवत कथा श्रवण का लाभ है। और नहीं तो यहाँ कथा मंडप से निकले तो समायोजक फूट वाला बहुत बढ़िया बजा रहा था, आज पहला दिन था, थोड़ा मिसमैचिंग थी, कल मजा आवे। और घर जाके बस वही शुरू, राम नाम जपना पराया माल अपना, तो कथा का क्या मतलब। अरे यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये धर्म की धरती है और मेरा बड़ा प्रेम है गुजरात से। कथा करने पहली बार भले आया हूं मैं, पर संबंध जन्म जन्म का है इस धरती से। मेरे गुरु महाराज द्वारिका में आश्रम है, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णानंदपुरी महाराज, ये महाराज सदगुरु भगवान छे। भावनगर बाजू में महुआ मोटा खुटौड़ा गाम आवे, ए मधुसूदन गिरी नेपाली बापू, ये मारा दिगंबर गुरु। गिरनार पे 5 साल गद्दी चलाई है, तो विशेष प्रेम है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि गुजरात में ऐसा कुछ नहीं होता, ये महाराष्ट्र का अनुभव बता रहा हूं मैं। ये 20 वर्ष ना अनुभव हो तो पची। पिता पुत्र के समक्ष जाए कैसे, ये सिखाता है हमारा रामचरितमानस, हमारा भागवत। ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए, हमें यही नहीं पता है कि हम किसके आगे क्या बोल रहे हैं। एक बार महाराज हम कथा करने गए राजस्थान में, सारासर बालाजी से कथा करके सब लोग निकल गए। ये तिवारी जी वगैरह हमें छोड़कर भाग जाते हैं, बाबा तेरा भरोसा नहीं, तू किधर मरवाएगा, तेरे आगे ना पीछे। अब भोजपुरिया में कहावत है कि एकरा के मेहरारू ना लेकर ही तो चल जाई द्वारिका,
इसके पीछे क्या पढ़ना। एक जगह विश्राम किया प्रभु, हकीकत की घटना है। एक बूढ़ी माता डोसी, संतों का तो व्यवहार है पहले लोगों को भोजन कराए बाद में करे, न माई भोजन ले ले, ना बाबा ना, आज तो मेरा उपवास है। मैया आज ना एकादशी है, ना शिवरात्रि है, ना पूर्णमासी है, ना गुरुवार है, किस चीज का उपवास है मेरी माँ? मेरे भाई बहन, माँ की आंखों में आंसू, वाणी लड़खड़ा रही है, चेहरे पे करुण करुणता, कहती है बाबा मेरे दो बेटे हैं, पंद्रह दिन का भोजन एक बेटे के घर में होता है और पंद्रह दिन का भोजन दूसरे के घर में होता है। बाबा आज 31 तारीख, पंद्रह दिन का भोजन एक बेटे के पास, पंद्रह दिन का भोजन दूसरे बेटे के पास, आज 31 तारीख है। अरे बाबा इसलिए ये मेरा उपवास है, डूब के मर जाओ, ये रामकृष्ण की धरा है, तुम्हें जीने का हक नहीं है। लोग कहते हैं कि माता के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन मैं कहता हूं माता का पुनर्जन्म होता है महाराज। 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए, इतना गहन पीड़ा माँ सहन करती है। एक बूढ़ी माँ भिक्षा मांग करके भी 5 बेटों को पाल सकती है, लेकिन जब 5 बेटे एक बूढ़ी माँ को रोटी नहीं देते तो बड़ा दुर्दैव नजर आता है। ऐसी ही कुवित्रियों का परिणाम है महाराज। मैं रिसर्चर हूं इसलिए हमेशा हर चीज पे वृत्ति है मेरी। ग्लोबल रिसर्च अगर किया जाए भारत का तो हर एक मिनट में एक्सीडेंट होता है, हर 13 मिनट में एक बच्चे का जन्म होता है, हर 3.5 मिनट में यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और हर क्षण में महामंत्रों का जप होता है। फिर भी सनातन कहां है? कहां है सनातन? भारत में 36,000 कत्ल खाने हैं तो 80,000 गौशाला होते हुए भी गौ हत्या। देश के नेता रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, किसानों की आत्महत्या बंद करो, हमारी पार्टी को वोट दो। अरे मूर्खों, तुम्हारा बाप फिर से पैदा हो जाए 7 पीढ़ी बाद, जब तक भारत में गौ हत्या बंद नहीं होगी आत्महत्या नहीं बंद हो सकती, इसलिए पहले गौ हत्या बंद करो। हमारी गौ माता की क्षमता को कौन जानेगा? आज भी साइंटिफिक रीजन से बोलता हूं मैं, कई बार कुछ मूर्ख टकराते हो महाराज, स्वामी जी आप बातें कर रहे हो कुछ साइंटिफिक रीजन है क्या? आप कहते आ जा तेरे बाप को भी बताते आ जा, क्योंकि सनातन हमारा त्रिविध है। हमारे सनातन में पूर्ण विज्ञान है और याद कर लो मूर्खों, भारत में ऋषियों ने ही रिसर्च किया है, दूसरे के बस की बात भी नहीं है। वो बात अलग है कि भारत की विद्वता की भारत को कद्र नहीं। प्लेन में उड़ के जाते हैं तो बहुत मजा आता है। कितने सालों पूर्व रावण ने वायु में गमन किया, हमारे ऋषियों ने जल गमन किया, वायु गमन किया, अब ये कैमरा सैटेलाइट पर भेज रहे हैं। अभी ये मान लो अभी इस समय सब पे लाइव है, इस समय गूगल पे फेसबुक पे सब पे जा रहा है ऑनलाइन है, ठीक है? तो हम बड़ा थैंक्स राजेश मेहरा के म्यूजिक इंडिया टीवी चैनल थैंक बोलेंगे, लेकिन 5002 वर्ष पूर्व जब संजय ने त्रिकाल दृष्टि के योग से
धृतराष्ट्र को महाभारत दिखा दिया, ऐसे संतों को वंदन करना चाहिए जो आज कर रहे बहुत पहले करते थे। आज हमारे भारत का दुर्देव भागवत कथा की बात करते हैं आप, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हो, जरा बेचारों की स्वच्छता कर लो ना तो वाह स्वच्छता आ जाएगी। अगर वाह स्वच्छता में लगे रहे, वैचारिक स्वच्छता एक दिन तुम्हारी संस्कृति को लेकर डूब जाएगी, इसलिए पहले वैचारिक स्वच्छता किया जाए। जैसे वस्त्र को धोने के लिए साबुन, व्यक्ति को सुधारने के लिए निंदक, ऐसे संस्कारों को जागृत करने के लिए हमारे महापुरुषों को पढ़ना।